अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज हम टीवी के हैंडसम हंग हितेश भारद्वाज के बारे में बात करेंगे। हितेश भारद्वाज लास्ट में हमें कलर्स टीवी के उडारिया टीवी सीरियल में नजर आए थे। तो हितेश भारद्वाज के फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हितेश भारद्वाज को अप्रोच किया गया है लीड रोल प्ले करने के लिए दो माजोर शोज के लिए, दो बड़े टीवी सीरियल के लिए उनको अप्रोच किया गया है। और वो सीरियल में जल्दी जनरेशन लीप आने वाला है, और जनरेशन लीप के बाद उन दोनों शो में हितेश भारद्वाज को अप्रोच किया गया है मेन लीड रोल प्ले करने के लिए। वैसे ये सीरियल कौन से हैं वो अभी रिवल नहीं हुए हैं, लेकिन इतना रिवल हुआ है कि उन दोनों सीरियल में जनरेशन लीप आने वाला है, और जनरेशन लीप के बाद हितेश भारद्वाज को अप्रोच किया गया है मेन लीड रोल प्ले करने के लिए। वैसे देखा जाए अभी जो न्यूज आ रहे उसके आधारित ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में, अब 20 साल का जनरेशन लीप आने वाला है, तो उस सीरियल में भी एक मेल लीड के लिए उनको अप्रोच किया जा सकता हो सकता है। और दूसरा कुमकुम भाग्य सीरियल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी थर्ड जनरेशन लीप आने वाला है, तो शायद हो सकता है ये रिश्ता क्या कहलाता है और कुमकुम भाग्य ये दोनों सीरियल के लिए अप्रोच किया गया हो। अभी ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और कुमकुम भाग्य टीवी सीरियल के ही अप्रोच किया गया हो, लेकिन सिर्फ इतना न्यूज सामने आ रहा है कि 20 साल का जनरेशन लीप आने वाला है, और लीप के बाद हितेश भारद्वाज को अप्रोच किया गया है। सीरियल का नाम अभी तक रिवल नहीं हुआ है कि कौन से सीरियल के लिए हितेश भारद्वाज को अप्रोच किया गया है, तो वो सीरियल कौन सा होगा वो आगे की न्यूज में अपडेट किया जाएगा। वैसे हितेश भारद्वाज उडारिया, शौर्य और अनोखी की कहानी जैसे कई टीवी सीरियल में नजर आ गए हैं। अब आगे कौन सी अपडेट आती है हितेश भारद्वाज को, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।